dear students welcome in the lecture series on chemical bonding okay uh, so this series is uh, going on and only uh, two more lectures uh, remain uh, for this series and under this series we are discussing about the stereochemistry and bonding in main group compounds and in this lecture we will discuss about metal carbides okay तो बच्चों आपका स्वागत है इस केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज में जहाँ पर हम मैक्सिमम लेक्चर अपने कवर कर चुके हैं अब जो लेक्चर हमारे रह गए हैं वो है मेटल कार्बाइड्स मेटल नाइट्राइड्स एंड मेटल बोराइड्स और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेटल कार्बाइड्स क्या होते हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या है

कार्बन और मेटल के कंपाउंड ये जो बनते हैं उन्हें हम मेटल कार्बाइड्स कहते हैं मेटल कार्बाइड्स को अगर हम देखेंगे तो हम इसको थ्री क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं वन क्लास इज सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स देन कोवेलेंट कार्बाइड्स एंड इंटर कार्बाइड्स ओके सो इफ यू सी द साल्ट लाइक कार्बाइड्स देन दे कैन फर्दर डिवाइडेड इन टू मिथेनाइट्स कार्बाइड्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन तो हम इस तरीके से सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स को फिर से क्लासीफाई करेंगे जिससे हम डिटेल में वन बाई वन अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं देन कोवलेंट कार्बाइड्स कोवेलेंट कार्बाइड्स को भी हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स एंड जाइंट मॉलिक्यूल्स एंड थर्ड टाइप के जो कार्बाइड्स हैं उन्हें हम कहते हैं इंटर स्टीशियल कार्बाइड्स सोल्ट लाइक कार्बाइट्स सोल्ट लाइक कार्बाइट जो है वो कौन बनाते हैं ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप के मेंबर है मीन्स जो एल्कली मेटल्स हैं जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं और थर्टीन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं देर जनरली फॉर्म सोल्ट लाइक कार्बाइट्स और अगर हम इनकी प्रिपरेशन देखेंगे तो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है जहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेटल ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन डायरेक्ट कार्बन के साथ है हाई टेम्परेचर तो क्या बनेगा मेटल कार्बाइड या देखिए ये ये दूसरा मेटल ऑक्साइड है जिसकी कार्बन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं या मेटल हाइड्राइड uh, की रिएक्शन कार्बन के साथ कर सकते हैं या फिर मेटल की डायरेक्ट रिएक्शन कार्बन के साथ करके कार्बाइड्स बनाए जा सकते हैं तो सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है व्हेन मेटल और मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्राइड्स दे आर हीटेड विद द कार्बन देन दे विल फॉर्म द मेटल कार्बाइड्स Now, if you see the properties of ionic carbides, salt like carbides. सो यू विल फाइंड दैट दे आर ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स जो आयनिक कार्बाइट्स हैं वो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स होते हैं दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं हैं दे कैन ईजिली हाइड्रोलाइज इंटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो मेन एक प्रॉपर्टी है उनकी वो है हाइड्रोलिस की प्रॉपर्टी एंड उनको जो है वो ईजीली हाइड्रोलाइज किया जा सकता है इन टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड उसी बेसिस पर उनको डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है जैसे आपने देखा जो salt लाइक कार्बाइड्स थे उनको हमने डिवाइड किया था एसिटाइलाइड मीथेनाइट्स एलाइलिनाइट्स एंडोर्थ वन इज ऑल्सो which विच गिव मिक्सचर ऑफ hydrocarbons ऑन हाइड्रोलिसिस तो इसी के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया है अब देखिए हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो देखिए कैल्शियम कार, कार्बाइड है कैल्शियम कार्बाइड जो है जब उसका क्या होता है जब उसका हाइड्रोलाइसिस होगा ये एसिटाइलिन बनाता है तो जो कैल्शियम कार्बाइड है इस इस कार्बाइड को हम क्या कहते हैं एसीटाइलाइट तो ये जो कार्बाइड्स हैं मैग्नीशियम का कार्बाइड बेरिलियम का कार्बाइड कैल्शियम का कार्बाइड एसिटाइलाइट कहलाते हैं देन अगर आप ये दो कार्बाइड्स को देखेंगे एल्यूमिनियम कार्बाइड एंड पेरीलीयम कार्बाइड तो इनके केस में आप देखेंगे दे जेनरेट ऑन दे जनरेट मीथेन ऑन हाइड्रोलिसिस सो दीज आर कॉल्ड एज मीथेनाइड्स तो जो मीथेन जेनरेट कर रहे हैं उन्हें हम मीथेनाइड्स कहते हैं जो एसिटाइलिन uh, जेनरेट कर रहे हैं उन्हें हम एसिटाइलाइट कहते हैं और वो कार्बाइड्स जो हाइड्रोलिस पर एलाइलिन जेनरेट करते हैं उन्हें एलाइलिनाइट्स कहते हैं जैसे मैग्नीशियम कार्बाइड तो इस तरीके से आप देखेंगे एम जी सेकेंड ग्रुप का मेंबर है बी ई सेकेंड ग्रुप का मेंबर है तो ये जो सेकेंड uh, ग्रुप के मेंबर हैं या फिर थर्टीन ग्रुप के मेंबर हैं दे फॉर्म द कार्बाइड्स दैट आर सॉल्ट लाइक और इनका हाइड्रोलिस बहुत आसान है उसी हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर उनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है जो जो कार्बाइड्स हाइड्रोलिसिस पर एसिटाइलिन देते हैं वो एसिटाइलाइड हैं जो कार्बाइड्स हाइड्रोलिसिस पर मीथेन देते हैं वो मीथेनाइड्स हैं जो कार्बाइड्स हाइड्रोलिसिस पर एलाइलिन देते हैं वो एलाइलिनाइड्स हैं और एक और ग्रुप है कार्बाइड्स का जो हाइड्रोलिसिस पर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स देता है जनरली वो जो कार्बाइड्स हैं वो थोरियम एंड लेंथेनाइट के कार्बाइड्स हैं जिनका फॉर्मूला एम सी टू टाइप होता है नेक्स्ट जो कैटेगरी है कार्बाइड्स की वो है कोवेलेंट कार्बाइड्स और जो कोवेलेंट कार्बाइड्स होते हैं वो जनरली कौन बनाता है? है तो ये क्या बनाते हैं कार्बाइड्स कोवेलेंट कार्बाइड का फॉर्मेशन करते हैं जनरली आप कह सकते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो स्पेशली ऑफ सिक्स एंड सेवनटीन ग्रुप एंड बोरोन ऑर्सो फॉर्म्स सच काइंड ऑफ कार्बाइड्स ओके सो and carbides uh, they have

िटी जो है वो एक्चुअली दे आर वोलेटाइल लिक्विड्स और गैसेस तो ये स्मॉल कार्बाइड्स होते हैं एलिमेंट सिक्सटीन एंड सेवनटीन ग्रुप के जो कार्बाइड्स हैं वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हैं थर्मली अनस्टेबल होते हैं और वो वॉलेटाइल गैसेस या लिक्विड होते हैं अगर आप दूसरे क्लास को देखेंगे जो कि जाइंट मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो एग्जाम्पल है बोरोन कार्बाइड है सिलीकोन कार्बाइड है और ये इनको अगर हम देखेंगे जॉइंट मॉलिक्यूल्स को दे आर हार्ड ये हार्ड होते हैं थर्मली स्टेबल होते हैं केमिकली इनर्ट सॉलिड होते हैं तो ये सॉलिड है जबकि डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स जो स्मॉल कार्बाइड्स हैं, वो क्या है दे आर जनरली लिक्विड्स और डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हैं जो कार्बाइड्स uh, uh, हैं है, वो उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं सी एस टू सी सी एल फोर ओके सो दीज मे बी द एग्जाम्पल सी एच फोर but actually uh, these are carbides but can also be classified under sulfides chlorides and hydrides okay so these are the non uh, these are the uh, volatile uh, liquids or gases the third category is interstitial carbides, and interstitial carbides generally they are the carbides of transition metals. Interstitial carbides means they are the uh, the, uh, the carbides of uh, transition elements like titanium, zirconium, hafnium, vanadium, niobium, etc. And here you will find that carbon atoms are present in the octahedral interstices of the closed packed lattice of metal atom to form MC and M2C type carbides. In carbides, and called interstitial carbides. क्योंकि जो मेटल होंगे वो क्या बनाएंगे वो बनाएंगे इंटरस्टिशियल साइट्स और उन इंटरस्टिशियल साइट्स पे कौन फिट होंगे कार्बन एटम्स और किस तरीके के कार्बाइड्स से जनरिफॉर्म करते हैं एम सी एंड एम टू सी टाइप कार्बाइड्स तो ये जो कार्बाइड्स मैंने लिखे हैं जैसे कुछ इसमें एम सी टाइप हैं और कुछ एम टू सी टाइप कार्बाइड्स हैं ये कार्बाइड्स थर्मली स्टेबल हैं वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है इनका बहुत ब्रिटल होते हैं नेचर में गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं एंड केमिकली इनर्ट होते हैं ये कार्बाइड्स जबकि इसी इंटर इस्टिशियल कार्बाइड्स में अगर हम आयरन क्रोमियम एंड मैगनीज के कार्बाइड्स देखेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज होती है इन बिटवीन सॉल्ट लाइक एंड इंटर इस्टिशियल कार्बाइड्स ओके इंटर कार्बाइड कार्बाइट एंड सॉर्ट लाइक के बीच की इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी रिलेटिवली लेस स्टेबल है इन कार्बाइड से एंड इन इजिली डिकम्पोज बाई एसिड्स एंड वाटर तो इंटर कार्बाइड का मतलब है कि ये कार्बाइड्स जो है वो इंटर पोजीशन पोजिशन पर कार्बन प्रेजेंट होगा मेटल की लेटेस में ओके and if we see the applications of carbides uh, then we will find that sic that is carborundum it is used as abrasive Ye abrasive used and refractory material ki use. एबरेसिव्स क्या होते हैं एब्रेसिव होते हैं जो कि रब जो मटेरियल यूज किए जाते हैं रब करके शेप दिए देते हैं हेल्पफुल होते हैं उसमें तो उसमें जो सिलिकॉन कार्बाइड है वो हार्ड होगा और वो जो है एब्रेसिव की तरह यूज किया जाता है रिफ्रैक्टरी मटेरियल मीन्स ये जो है हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करता है इसलिए इट हैज़ हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड इट इज़ यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर मेकिंग कंटेनर्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स ये रिफ्रैक्टरी मटीरियल है बहुत

देन थर्ड इम्पॉर्टेंट कार्बाइट इज टंगस्टन कार्बाइट विच इज यूज फॉर मेकिंग टूल्स एंड डाइज तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो कार्बाइट्स हैं वो मेनली किसके लिए यूज होते हैं रिफ्रैक्ट्री मटीरियल्स एंड एबरेसिव की तरह एंड समाइम्स दे ऑल्सो यूज एज टूल्स एंड डाइज सो अगर हम ओवरऑल अगर इसका जिस्ट देखेंगे तो हम देखेंगे जो कार्बाइट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इनऑर्गेनिक uh, केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो कि आपने देखा उनकी एप्लीकेशंस आपने देखी जो कि रिफ्लेक्टिव मटेरियल एंड एब्रेसिव्स की तरह यूज़ होते हैं क्योंकि वो हार्ड होते हैं और टेम्परेचर रजिस्टेंट होते हैं ओके okay? और अगर हम उसका क्लासीफिकेशन देखेंगे तो हमने मेन क्लासीफिकेशन जो उनका देखा वो तीन तरीके का देखा सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स कोविल कार्बाइड्स एंड इंटर स्टिशियल कार्बाइड्स अगर हम सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स को देखें फर्दर हमने उसको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट जो भी हाइड्रोलिस प्रोडक्ट बन रहा है उसके बेसिस पर हमने उनको डिवाइड किया देन आपने देखा जो सोल्ट लाइक कार्बाइड्स होते हैं जनरली फर्स्ट टू एंड थर्टीन ग्रुप के मेंबर बनाते हैं कोवेलेंट कार्बाइड अगर हम देखेंगे तो ये कार्बाइड्स जो है वो अगेन इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं स्मॉल डिस्क्रीट एंड जॉइंट मॉलिक्यूल्स और ये जो पी ब्लॉक के अदर एलिमेंट्स हैं वो जैसे सिक्सटींथ एंड सेवनटींथ स्पेशली दे फॉर्म्स द कोवेलेंट कार्बाइड्स एंड इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स दे आर फॉर्म बाय द आयंस, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स बनाते हैं इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स को और अगर हम प्रिपरेशन मेथड देखें तो बहुत आसान है कि मेटल जो है या मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्राइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा एट हाई टेम्परेचर देन इट कैन फॉर्म दी, कार्बाइड्स हमने कहा कि ये जनरली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं हार्ड होते हैं स्टेबल स्टेबल तो नहीं कहेंगे आर uh, कुछ जो जो सॉल्ट लाइक -like होते हैं जो कार्बाइड्स वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं आसानी से और हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट उनका उन, उस प्रोडक्ट के बेसिस पर उनका नाम दिया गया है और वैसे जनरली जो कार्बाइड्स हैं वो स्टेबल होते हैं थर्मल रेजिस्टेंट होते हैं इसलिए उनका यूज जो है वो एब्रेसिवस एंड किस में यूज़ होता है रिफ्रैक्ट्री मटीरियल्स में सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी दी मेटल कार्बाइड्स देयर सिंथेसिस देयर क्लासिफिकेशन देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर applications okay so in the next lecture we will discuss about the metal nitrides uh, so thank you very much